हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनिता कैश किचन में। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड और दूध से महंगी रेसिपी। सच में दोस्तों, ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने ले ली है ब्रेड, तो आप यहाँ पे ब्राउन वाली ब्रेड यूज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे सफेद वाली ब्रेड ली है। चार ब्रेड लिए हैं, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। आप यहाँ पे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम तोड़ ले रहे हैं, हमें इसे पीसना है। तो आप जैसे भी तोड़ लीजिए, चाहे बड़े टुकड़ों में, छोटे टुकड़ों में। तो छोटे टुकड़ों में क्या होगा ना, बस एक बार चलाना पड़ेगा। इस तरीके से हम यहाँ पे तोड़ लिए हैं। अब मिक्सी के जार लिए, इसमें हम ट्रांसफर कर लेंगे सारे टुकड़ों को। अब इसे हमें एक बार पीस लेना है, बस एक बार से चला लीजिएगा, बस बंद कर दीजिएगा तो ये अच्छे से पीस जाएगी। बहुत टाइम नहीं लगता इसे पीसने में। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम पीस के निकाल लिए, एकदम दानेदार। ये देखिए कितना बढ़िया दानेदार ये पीसा है। इसी तरीके से आपको पीस के लेना है। अब चलिए गैस की तरफ। तो यहाँ पे हमने पैन लिए हैं, इसमें हम डाल लेंगे घी। तो यहाँ पे आप घी कम या ज़्यादा रख सकते हैं, तो लेकिन ज़्यादा घी डालेंगे ना तो ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो घी जैसे गर्म हो जाए, तो यहाँ पे हमें काजू और बादाम ले लिए हैं। आप जो भी ड्राई फ्रूट इसमें डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। अब इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, यानी हल्का सा भून लेना है, ताकि जो घी में भून के डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, खाने में क्रंची क्रंची लगते हैं। तो इसको हमें हल्का सा फ्राई कर लेंगे, हल्का सा कलर चेंज हो जाए कुछ इस तरीके से। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। अब इसको कट करके भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं, तो आप अपने पसंद से कट करना चाहते हैं तो कट कर लीजिएगा ठंडा होने के बाद। अब इसी पैन में हम डाल देंगे ब्रेड पिसी हुई। तो गैस के फ्लेम को इस टाइम में बिल्कुल लो रखना है और घी को भी हल्का से ठंडा ही कर लीजिएगा, ज़्यादा गर्म नहीं, गर्म में नहीं डालना है। अब इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं और चलाते हुए कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक कि ब्रेड में अच्छे से खुशबू आने लग जाए। और बहुत ज़्यादा टाइम इसको नहीं भूनना है, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करिएगा, नहीं तो क्या होगा ना, फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगी, जला जला सी टेस्ट आएगी। तो बहुत ज़्यादा मत भूनिएगा, बस कलर चेंज हो जाए, खुशबू आने लग जाए, समझ लीजिएगा कि ये भून चुका है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से कलर आ गया है, तो ये भून चुका है। अब इस यहाँ पे हम डाल लेंगे 1 कटोरी दूध। तो यहाँ पे आप दूध अपने हिसाब से, जितना ब्रेड ले रहे हैं उसी हिसाब से दूध लीजिएगा। और इसको हम मिक्स कर लेंगे और चलाते हुए हल्का सा पका लेंगे, ये बहुत ही जल्दी थिक भी हो जाती है, इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और यहाँ पे हम ले लेंगे टेस्ट के लिए केसर के धागे। तो हम दूध में डाल के रख दिए थे 4-5 केसर के धागे। आपको अगर कलर चाहिए इसमें तो आप थोड़ा सा फ्रूट कलर डाल सकते हैं, या केसर के धागे की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। तो हम यहाँ पे 3 से 4 केसर के धागे डाले थे, इसलिए कलर नहीं आया। और हम खुशबू के लिए सिर्फ डाले थे। आप यहाँ पे इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम चीनी डाल देंगे, तो मीठा अपने पसंद से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और चीनी को भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम डाल देंगे घी। तो यहाँ पे आप चाहे तो 3 से 4 चम्मच भी घी डाल सकते हैं। तो जैसे मार्केट में रहते हैं ना हलवा, या जैसे मंदिर वगैरह पे देखते हैं कि हलवा एकदम चमकदार सी रहती है, लाइट सी रहती है हलवा में, तो बस ऊपर से अभी जैसे हम घी डाले हैं ना, तो यहाँ पे घी का मतलब थोड़ा सा रख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी बन जाते हैं। और जो हमने ड्राई फ्रूट को फ्राई करके निकाले थे ना, उसको भी हम डाल के मिक्स कर लेंगे। बस हल्का सा चलाते हुए पका लेना है 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। अब यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए हम पका लिए हैं और ये हलवा जो है ब्रेड से तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हलवा बन के तैयार होता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देख के लग ही नहीं रहा कि हम ब्रेड हलवा बना के तैयार किए हैं, टेस्टी बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो हमें फेसबुक पर देख रहे तो प्लीज़ फेसबुक पेज भी फॉलो कर लीजिएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए सबको दिल से थैंक यू। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।